हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपने कल ऋषवन प्रपोषण की सीरीज में फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट से लिए थे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह आज हम अपने वीडियो का पार्ट टू लेके मिले, जिसमें थोड़े से उसके कल के मुकाबले थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, थोड़े से मतलब मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लिए हुए हैं, वो क्वेश्चन हमारा है, फोर नंबर आर इन द रेशो 1, 2, 3, 4, देयर सम इज 16, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। यानी कहने का मतलब कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि चार संख्याएँ जो है 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, इनका योग यानी इनका जो जोड़ होगा वो कितना है, 16 आएगा। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए जो हम मैंने कल बताया था आपको, जो रेशो होता है उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो चार नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर कैसे लिख लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 2x, थर्ड नंबर 3x हो जाएगा, और फोर्थ नंबर कितना हमारा, 4x हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इन सभी का सम यानी जोड़, ये चारों का जोड़ कितना है, 16 के बराबर है। तो मान लो यहाँ पर हम ऐड का निशान यानी 16 प्लस का निशान ही डाल देते हैं, सिंबल डाल देंगे, तो क्या होगा, प्लस कर देंगे। तो ये 1x और 2x करेंगे प्लस, तो कितना, 3x हो जाएगा। 3x को फिर 3x से प्लस करेंगे तो 6x होगा, 6x को फिर 4x से प्लस करेंगे तो हमारा 10x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया, 10x आ गया फ्रेंड। ठीक है, 10x आ गया था। अब 10x को हम क्या करेंगे, किसके बराबर रख लेंगे, 16 के बराबर रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ आ गया होगा आप लोग को कि जो हमारा ये सबको ऐड करके कितना आ गया, 10x आ गया, और इन सभी का जोड़ किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो हमने 16 के बराबर रख लिया। ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूँ, अब आगे बताता हूँ आपको। देखिए, हमारा कितना आया था, 10x बराबर 16 आया था। हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पता है ना x की वैल्यू कैसे निकलती है, x कैसे लिख लेंगे, 16/10 कर देंगे, जो ये 10 क्या होगा, नीचे चला जाता है जब भी x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका x की वैल्यू आ जाएगा 1.6 आ गया फ्रेंड, हमारा कितना आ गया, 1.6 आ गया। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा आ गया 1.6 एक्स की वैल्यू। चलिए इसको भी रेज कर देता हूँ। अब देखिए क्या बोला है कि हमारे हमको बोला है कि पहली और चौथी संख्या का जोड़। हमको पता है पहली संख्या 1x है और चौथी संख्या 4x है, तो आप हम लिख लेंगे पहली संख्या x प्लस चौथी संख्या जो है 4x, ऐसे लिख लिए। तो टोटल का जोड़ जाएगा 5x आ गया, इनका जोड़ करेंगे प्लस करेंगे तो 5x आ गया। ठीक है, तो हमको जैसे पता है फ्रेंड, हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, 1.6 निकाली थी ना, तो हम क्या करेंगे, 5 है आई यहाँ पर x है, जो x की वैल्यू हमने 1.6 निकाली थी वो क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, डाल देंगे। अब देखिए क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो पता है अगर हम 5 का टेबल 16 तक पढ़ते हैं, 16 तक पढ़ते हैं, या 16 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं, तो हमारा 80 आता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यानी डेसिमल है, दशमलव है, तो क्या करेंगे, यहाँ अगर हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो गया, 8 आ गया। तो ये हमारा पहली और चौथी संख्या का आंसर है 8। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आई है और आपको भी अच्छा लगेगा बनाने में। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए एंड बी हैव, यानी ए एंड बी हैव इन द रेशो 2:1, इट गिव्स 2 rupees टू बी, द मनी विल बी इन द रेशो 1:1, द व्हाट इज़ द इनिशियल अमाउंट दे हैड। यानी देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ए और बी के पास 2:1 में क्या राशि है, 2:1 में क्या है, राशि है। ठीक है, ए और बी के पास, कह रहा है यदि जो ए जो है ना
और बी को 2 रुपये दे देता है, तो दोनों की राशि क्या होती है, एक एक के अनुपात में हो जाती है। यानी मतलब ए बी को दे देता है तो दोनों के पास बराबर राशि यानी एक एक के अनुपात में हो जाएगा। तो शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितना था, तो जैसे कि फ्रेंड देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ए और बी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको पता है ए और ए के पास कितना 2 है और बी के पास कितना है 1 है, तो यानी एक्स लिख लेंगे साथ में इनके, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये 2 रुपये दे देता है। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत से तरीके हैं करने के लिए, मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि जो ए है और बी को क्या कहता है, 2 रुपये दे देता है। तो यानी ये इसको 2 रुपये देगा फ्रेंड, जब ये इसको 2 रुपये देगा तो इसमें से 2 घट जाएगा ना, यहाँ 2 इसको में से 2x में से 2 घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से देखिए दे रहा है तो अपने में से घट जाएगा ना फ्रेंड। तो क्या होगा, ये तो 2 घट जाएगा फ्रेंड, जो क्योंकि जब ये देगा तो इसमें से क्या होगा, 2x में से 2 हम घटा लेंगे, ठीक है, तो बराबर रख लेंगे। अब इसको 2 देगा, देखिए जब दे देगा तो इसमें तो जुड़ जाएगा, तो यानी इसमें ऑन एक्स में क्या होगा, 2 जोड़ देंगे हम, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, जोड़ते हैं हम ऑन एक्स प्लस 2 जोड़ दिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब दे देने के बाद इनका जो रेशो होता है वन और वन के अनुपात में हो जाता है ना, वन वन के, तो क्या करेंगे, इसके नीचे भी वन लिख लेंगे, इसके नीचे भी वन लिख लेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसको इसके साथ गुना करना, इसको इसके साथ गुना करना। तो हम गुना कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 2x, देखिए जब एक को गुना करेंगे इसके साथ पूरे के साथ तो यही वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि एक है, एक के साथ सेम चीज़ आ जाती है, तो ये आ गया बराबर, क्या हो जाएगा, फिर इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1x+2 आ जाएगा फ्रेंड, आ गया। तो हमारा ये क्या हुआ, जब हम करेंगे तो 2x वाली वैल्यू इधर x से आ जाएगी, ये वाली वैल्यू देखो x वाली वैल्यू x की साइड में चली जाती है, तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये x आ गया 1, ये 2 है, ये 2 वाली वैल्यू इधर चली जाए, इस साइड चली जाएगी, तो इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4। तो इन दोनों माइनस करेंगे, पता है हमको माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई फ्रेंड हमारी। फ्रेंड ये 4 आ गया, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, आपको बताता हूँ, चलिए फ्रेंड अब देख, तो फ्रेंड 4 आ गया एक्स की वैल्यू हमारी। तो देखिए अब क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी फ्रेंड हमारी, तो हम 4 आई थी, 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई फ्रेंड, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था इनिशियल में कितना होगा, तो इनिशियल में देखिए 2 और 1 का था, ए का कितना था, 2 था, 2x, बी का क्या था, 1x था, ठीक है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, एक्स की जगह डाल देंगे, तो 2 × 4 कर लेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगा, तो कितना 8 आ गया, और बी की जगह पर डाल देंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 1x है, तो 1 × 4 यानी तो 4 आ जाएगा फ्रेंड हमारा ये, ठीक है फ्रेंड। तो 4 आ गया फ्रेंड ये, ठीक है, आई होप फ्रेंड आप समझ रहे होंगे। चलिए हमारा आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये गलती से यहाँ हो गया, 3 होगा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार फ्रेंड क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, अगर आपको आता है तो आप ट्राई कीजिए खुद से पहले, उसके बाद आप कीजिए। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 180 रुपीज़ कंटेन इन अ बॉक्स इन द रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 2, 3, 4, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 50 पैसा कॉइन। यानी बोल रहा है कि एक एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के के सिक्कों के रूप में हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया है 2, 3 और 4 है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे रुपीज़ कॉइन, ठीक है, ऐसे 50 पैसा कॉइन 25 पैसा कॉइन लिख लेंगे फ्रेंड, तो हम लिख लिए। अब उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, जो हमारा ये अनुपात दिया गया है तो लिख लेंगे इनके नीचे क्या क्या दिया गया, अनुपात 2, 3 और 4 ये अनुपात दिया गया है, तो क्या करेंगे, 1 रुपये का कितना अनुपात है, 2 है, 2 लिख लिए,
पचास पैसे कितना अनुपात है, तीन है, यहाँ तीन लिख लेंगे। पचास पैसे का सॉरी 25 पैसे कितना है, चार है, तो चार लिख लेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये अनुपात लिख लेंगे। और ध्यान रखिए फ्रेंड, जो ये हमको अनुपात दिया गया है कॉइन्स में है, ठीक है ना, कि ये रुपीज़ में, क्या है, कॉइन्स में है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉइन्स में है, ओके। तो फ्रेंड क्या करेंगे, आपको पता है कि जब देखिए आप, हमको पता है कि जो जो रुपीज़ का कॉइन होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 50 पैसे सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों को अगर हमको अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 सिक्के होते हैं, तब जाके 3 रुपया बनता है, ठीक है, बनेगा। लेकिन ये तो कॉइन्स में है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड रखेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड रखेंगे, एक्स एक्स मान लेते हैं साथ में। फ्रेंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 यहाँ लिए, यहाँ 4 लिए, देखिए क्या होता है कि आपको पता है 25 पैसे के 4 कॉइन जाके 1 रुपये मिलकर बनाता है, इसलिए यहाँ 4 लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 दिया हुआ था, इसके नीचे 2 क्यों लिखा, तो 2 सिक्के यानी 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। आपको पता है 1 रुपया ऑलरेडी 1 रुपया ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं लिखा है हम लोगों ने। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब इन दोनों का आप क्या कीजिए, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप रेशो लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना होता है, आई होप सबको एलसीएम लेना आता है। वो देखिए एलसीएम हम लेंगे अगर, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड, 4 एलसीएम आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या आया, 4 एलसीएम आया। तो देखिए तो हमारा क्या फ्रेंड, 4 एलसीएम आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 लिख लिए। फिर हमारा क्या था, वहाँ पर 1 था, ठीक है, तो एक ऊपर 1x के साथ गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। 50 पैसे के नीचे कितना था, 2x था फ्रेंड हमारा, 2x के साथ करेंगे 4 को तो 2 आएगा, तो कितना हो, प्लस 6x हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, 6x लिख लेंगे। और फिर हमारा 25 पैसे के नीचे 4 था, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को फिर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड हमारा, 4x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये क्या आया, ठीक है फ्रेंड, ये आ गया। ठीक है फिर, सॉरी फ्रेंड, यहाँ गलती हो गई, हमारा 8x आया क्योंकि हमारे पास वहाँ पर था 2x। ठीक है, अब इस सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ऐड कर दिए, कितना ऐड करके कितना आएगा, सम करेंगे तो इसका 10x सॉरी 18x आ जाएगा, 18x/4 आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, हम अब इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद अगला स्टेप बताता हूँ आपको। ये हो गया इरेज, उसके बाद देखिए आपको पता है कि टोटल कितना कितना रुपए की बात कर रहा था, 180 रुपये था। 18x हमारा कितना कितने के बराबर आ जाएगा, 18x/4 आ जाएगा हमारा 180 के बराबर आ गया फ्रेंड। ठीक है, 180 के बराबर क्यों आया, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने रुपीज़ हैं, तो 180 रुपीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए इसको दर्जा गुना हो जाता है, 18x = 180 × 4, तो आपको पता है 18 से 18 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा x। ठीक है कल्ला, तो फ्रेंड ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 18 को 18 से काट देंगे यहाँ पर, तो 10 बच जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई हमारी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की क्या संख्या होगी, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने अभी आपको आपको पता चला कि हमने पता किया है कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 40 आई है, तो हम कहते अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहा था पता करने के लिए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 3x थी, आपको पता ही है 3x दी, 3 अनुपात में दिया, 3x में तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 40 आई है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ये हमारे क्वाइंस आ गए, यानी 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं हमारे पास, तो 120 क्वाइंस है फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आप भी इसको पहले समझिए, फिर इसके बाद फिर वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को नोट करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलिए आपको अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अपना, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही
शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। आप देखिए क्या, मैं बताता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन ये। देखिए, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 170 रुपीज़ अमंग ए बी एंड सी इन द रेशो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 2, 3, 4 हु गेन द मोस्ट एंड वाह बाय हाउ मच। यानी कह रहा है कि 170 रुपये की राशि है जो 1/2 1/3 1/4 में के अनुपात में विभाजित करने की जगह गलती से 2, 3, 4 अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी। यानी सीधी सी बात है फ्रेंड, उनको करना था 2, 3, 4 मतलब 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में, लेकिन उन्होंने 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गलती से, तो कितनी और किसको कितनी और ज़्यादा आई ये बताना है। देखिए तीन तीन नंबर है, हम लिख लेंगे यहाँ पर ए बी, ठीक है फ्रेंड, सी, ओके फ्रेंड। अभी यहाँ पर इनकी जो जो है ए की कितनी है जो इस पर डिवाइड किया गया है 1/2 1/3 है ना, लिख लेंगे 1/2 x, ठीक है फ्रेंड। यहाँ लिख लेते हैं 1/2 x अनुपात 1/3 x अनुपात 1/4 x अनुपात। फ्रेंड पता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है जो हमको इस फॉर्म को ना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं इसको, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए 2, 3 और 4 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं हम लघुत्तम हिंदी में, तो इसको क्या बोलते हैं कि लघुत्तम लेने का बहुत मतलब क्या होता है, बहुत लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एक ऐसा नंबर जो होता है जो मिनिमम छोटा छोटा कैसा नंबर जो इसको ये तीनों 2, 3 और 4 डिवाइड कर दे तो 12 आता है, ठीक है, छोटा नंबर जो है 12 जिसको दोनों तीनों डिवाइड कर पाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए अब 12 आ गया तो देखिए अब इसमें क्या होगा, मैं रेज कर देता हूँ इसको, ठीक है फ्रेंड, अब समझिएगा, रेज कर दिया। अब देखिए हमारा क्या आएगा, एलसीएम कितना आया था, 12 आया था, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 12 आया तो यानी 1/2 जो 2 को क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, तो क्या फिर वैसे ही अनुपात, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट वे में बनाना है फिर, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में बनाना था इसलिए हमने किया। फिर 1/3 को फिर 12 से करेंगे, फिर 1/4 को गुना 12 से करेंगे, काटेंगे मतलब इसको कट करेंगे सेम टेबल पर, कितना आएगा फ्रेंड हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पर अनुपात, 4 आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर 3 आ जाएगा फ्रेंड, ये आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, तो क्या कितना आया था 6 अनुपात x मान लेते हैं, 4 अनुपात फिर 3 अनुपात, ये हमारा आया था। यानी इसका ऐड कर देंगे अगर हम, क्योंकि इन्होंने पुनः पूछा 170 रुपये, जो 170 रुपया नहीं है, ये गलती से यहाँ पर 170 रुपये हो गया, 170 मतलब 117 रुपीज़ है जो, यानी 117 रुपये है, ठीक है, गलती से हो गया यहाँ पर 117 रुपये आएगा, ठीक है फ्रेंड, 170 नहीं आएगा 117 रुपये आएगा। तो यहाँ पर कितना 13x बराबर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, सही लिखा हुआ है, तो 170 रुपये को हम लिख लेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू निकाल लेंगे अब, तो 13 का आप टेबल पर ये कहते हैं 9 पे आएगा, x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगा 9 पे आता है, x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलिए x की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 9 निकाल लिया, यहाँ लिख लेते हैं 9, ओके फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसको कितनी ज़्यादा आई, तो अब देखिए अब दूसरा नंबर तो कितना था हमारा जो डिवाइड करना था, वो हमारा था दूसरा, हमारा नंबर क्या था फ्रेंड, वो हमारा क्या नंबर था, वो था 2x + 3x + 4x, ये था हमारा जिसमें डिवाइड किया गया था, तो इसको भी 17 के बराबर रख लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा फ्रेंड, 2, 3, 5 और 9, 9x आ गया। फिर 17 को हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 13 आ जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब फ्रेंड देखिए किसको ज़्यादा मिला और कितना ज़्यादा मिला, एक क्वेश्चन बोला है, ठीक है, एक बार x की वैल्यू हमने देखिए, यहाँ पर आप x की जगह y भी ले सकते थे, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर x, ठीक
ठीक है, कन्फ्यूज ना होने के लिए, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है फ्रेंड, अब आ गया, चलिए पहले वाला जो था, 9 को 6 से किए मल्टीप्लाई, कितना 54 आ गया। फिर फ्रेंड हमारा 9 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 36 आ जाएगा फ्रेंड। फिर 9 को कितना है उससे 3 है, 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 27 आ गया। एक बार ये आया था हमारा, ठीक है। पहले इस मतलब इस वे में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन उन्होंने गलती से किस में कर दिया था, 2, 3, 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बांट दिया था। तो पता है कि अब हमारा कितना निकला है, यहाँ पर हमारा फ्रेंड कितना निकला था, 13 लिखना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, गुना करेंगे, 26 आ जाएगा। एक्सक्यूल यहाँ 13 आई थी ना, यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ भी करेंगे तो 13 से ये आ जाएगा 52। अब देखिए फ्रेंड, कह रहा है किसको सबसे ज़्यादा मिला है और कितना, सी को देखिए, सी को कितना मिला, सी को मिला है सबसे ज़्यादा 52। इसके सब में, इस सब में सबसे ज़्यादा किसको मिला, 52 मिला है। तो इसलिए कहेंगे सी को ज़्यादा मिल गया बेचारा, सी फ़ायदे में रहा गया ना, रह गया इस स्कोरिंग का देखा जाए तो कितना ज़्यादा मिला है फ्रेंड, सी को लिखेंगे 52 माइनस 27, जब माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारा, ये हमारा फ्रेंड आंसर बनता है। ओके फ्रेंड, आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। आप बार बार देखिए, बार बार समझेंगे, ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 5 क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड हमारा जो 5 क्वेश्चन है क्या है, ये हमारा 5 क्वेश्चन बहुत, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड। इस टाइप मतलब कह रहा हूँ ना कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, डिवाइडिंग रुपीज़ 1250 अमंग ए बी सी सो दैट ए गेट्स 2/9 ऑफ बी शेयर, सी गेट्स 3/4 ऑफ ए शेयर। ठीक है, देखिए हिंदी में बताता हूँ। तो 1250 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया, यानी किया गया कि ए को बी का 2/9 भाग मिला और सी को ए का 3/4 भाग मिला। फ्रेंड बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए हम क्या करेंगे, अब लिख लेंगे ऐसे जो जो दिया हमारे पास, ए को कितना मिला, ए को बी का कितना मिला है फ्रेंड, 2/9 भाग मिला है ए को बी का, इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए बी को सी का कितना मिला फ्रेंड, ये भी लिख लेते हैं। तो सी को ए का, यहाँ पर सी है, सी को ए का मिला है 3/4, ए का मिला है फ्रेंड। ठीक है, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई भी ऐसा होता था, बताई थी चाहे आपको भी पता होगा कि जो गुना, कोई भी नंबर गुना में होता है, इस साइड में मल्टीप्लाई में होता है, इस साइड जाकर क्या होता है, ये नीचे चला जाता है, इसलिए इसके नीचे चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी के नीचे आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा। यानी और अब ये भी बताया था मैंने कि जो भी नंबर बटे में हो और जिसके सामने हो उतना ही उसका ही बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए के सामने 2 है तो 2 के बराबर होगा, ए 2 के बराबर होगा, बी जो है 9 है तो बी 9 के बराबर होगा। तो ये हो गया। अब देखिए सी के नीचे ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। तो यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 3 और ए की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ए अपॉन बी जो था हमारा, तो कितना आया था हमारा, ए अपॉन बी, ये हमारा आ गया था 2/9, यानी एक वैल्यू ए थी, बी की वैल्यू ए थी, और दूसरा हमारा क्या आया था, सी अपॉन ए जो कि क्या थी हमारी वैल्यू, 3/4। ठीक है फ्रेंड, आपको बता दिया कि सामने सामने वाले बराबर होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ए, देखिए दोनों में क्या हो रहा है, एक नंबर आप यह ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होगा कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो दोनों इक्वेशन में बराबर आना चाहिए, मतलब कॉमन आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए बी में ए को ए आ रहा है, सी ए में ए आ रहा है, तो यानी ए दोनों में आ रहा है, दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो यानी ए कॉमन हो गया, तो क्या करेंगे, ए को बीच में ले लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं बी, यहाँ लिख लेते हैं सी फ्रेंड। ठीक है, ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ए कॉमन है इसलिए हम बीच में ले लिए।
देखिए बी की वैल्यू कितनी थी, 9 आ गई फ्रेंड, 9 लिख लिया ठीक है, 9 लिख लेते हैं। और देखिए पहले इरेज करता हूँ आपको समझ आ जाएगा ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लिख लेते हैं बी अनुपात ए अनुपात सी, ठीक है फ्रेंड। तो हमको अब पता लग गया अब ए की वैल्यू क्या कितनी थी फ्रेंड हमारी, 9 थी, सॉरी बी की वैल्यू 9 थी, तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, 9 लिख, बी की वैल्यू सॉरी बी है ना, बी की वैल्यू कितनी, 9 थी, 9 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ठीक है फ्रेंड। और ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 2 थी, 2 लिख लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड हमारी, 3 थी, यहाँ 3 लिख लेते हैं ठीक है। और फिर देखिए फ्रेंड सॉरी सी फ्रेंड यहाँ तो नहीं लिखना था हमको, क्यों नहीं लिखना था बता देते हैं हमें आपको, यहाँ पर लिखना था, ये एक फर्स्ट इक्वेशन में की हुई वैल्यू होगी फ्रेंड ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में देखना था हमको, सेकेंड इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी थी हमारी ये देखना था। सेकेंड इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू 4 थी, यहाँ 4 लिख लेंगे नीचे। और सी की वैल्यू कितनी थी हमारी, वो 3 थी, यहाँ 3 लिख लेंगे फ्रेंड। अब ये मेथड आपको याद आ रहा होगा कि जिग जैग मेथड से हो जाएगा, जिग जैग मेथड हो जाएगा तो ना आपको जिग जैग में इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, दोनों को कीजिए। तो 9 को 4 से करेंगे 36 से आ जाएगा फ्रेंड ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा फ्रेंड, इसको कीजिएगा तो 6 आ जाएगा फ्रेंड, ये आ गया हमारा। अब आपको पता है कि 1250 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी ऐड करना है। जब 1250 रुपये बांटेंगे तो आप तीनों को ऐड करेंगे तभी ना एक यूनिट का निकलेगा, तो उससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आप ठीक है ना। तो फ्रेंड इसको इरेज करता हूँ, पता लग गया ना। तो देखिए हमारे पास क्या था, अब बी की वैल्यू अभी यहाँ लिख लेते हैं सीधा सीधा ए बी सी, बी की वैल्यू 36 निकाल ली थी फ्रेंड हमने, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया था 4 सॉरी 8 ठीक है फ्रेंड। और सी की वैल्यू निकाली थी 6, ये आया था हमारा। अभी देखिए इसको आप पता है ना रेशो में क्या होता है कि मिनिमम मिनिमम से इसको आपका एक सेम टेबल पर काट के छोटा छोटा बना सकते हैं। तो 2 का टेबल पर कटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये नहीं कटेगा किसी टेबल पर ठीक है फ्रेंड, तो ये काट दिया हमें 2 के टेबल पर ठीक है, ये आ गया। अब इसको फ्रेंड ऐड कर दीजिए आप, ऐड कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं सबके साथ ठीक है, सबके साथ अब एक्स मान लीजिए, बस लिखने की ज़रूरत है, आप समझ जाइएगा। 1250 के सामने रख लेते हैं, तो करेंगे प्लस करेंगे कितना आएगा अभी फ्रेंड, 22 दो 18 4 22, 22 3 25, यानी कितना आ गया 25 एक्स आ गया ठीक है। अब 1250 के सामने रख लेते हैं, अब 25 का टेबल पढ़िएगा तो 125 आता है, कितना 5 टाइम्स में आता है, 25 को 5 से गुना करिएगा तो 125 आएगा, ये 0 है तो 0 का 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड हमारी 50 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया फ्रेंड हमारा ठीक है। अब ये अकेले अकेले का अब a का कितना था b का कितना था तब पता लग जाएगा वैल्यू, a का हमारा कितना आया था फ्रेंड काट कर आया था ना 4, तो 4 को 50 से गुना कर दीजिए 200 आ गया। फिर देखिए फ्रेंड हमारा 18 आया था, 18 को 50 से गुना कर दीजिए फ्रेंड तो कितना आ गया फ्रेंड हमारा, गुना करेंगे तो 18 50 से गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड सी, सी का कितना आया था 3 आया था फ्रेंड, 3 को गुना 50 से कीजिए तो हमारा फ्रेंड आ जाएगा 150 फ्रेंड, ये हमारा आंसर आ गया, ये रहा आंसर ठीक है फ्रेंड। आई होप फ्रेंड थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया है लेकिन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे से समझाया है आपको कि आपको एक एक स्टेप समझ आए। फिर भी आपको थोड़ा कोई भी आपका जो भी फीडबैक यानी जो भी आपका प्रॉब्लम होगा किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं मुझे ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके थैंक यू फ्रेंड।